हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेपर लीक मामले की एसओजी से जांच करवाने की मांग। आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हिंदी प्रश्न पत्र आउट होने के संबंध व अन्य सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा की जांच एसओजी से करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2018 तक द्वितीय श्रेणी परीक्षा आयोजित हुई थी। 2 नवंबर को हुई हिंदी विषय की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका कई अभ्यर्थियों को लाभ मिलने का अंदेशा है। ज्ञापन में बताया कि मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस ने एक केंद्राधीक्षक व निनी विद्यालय के व्यवस्थापक को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से पेपर लीक होना लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय सहित समस्त परीक्षा की एसओजी से जांच करवाने की मांग की है। मेरा नाम अमराराम है और ये जो बैठक रखी गई है, जो 2018 का हिंदी सेकेंड ग्रेड विषय से पेपर वायरल हुआ था, उनके संबंध में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया और हम जैसे लोग बेरोजगार हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि यह जो ज्ञापन है आगे भेजें और इसकी एसओजी जांच करवाई जाए, तत्काल बेरोजगारों के साथ न्याय हो, हम ये प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।